अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम सेहत आपके लिए हम फिर हाजिर हैं। आज जो है एक प्रोग्राम ऐसा होने वाला है जो शहर के बहुत ही जानी मानी हस्ती, ना सिर्फ ये बल्कि इनके वालिद बुज़ुर्ग और भी जो है इस पेशे से वाबस्ता रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। इनका नाम किसी तारीफ़ का मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। आज है हमारे साथ डॉक्टर उदय प्रकाश साहब, जो कि वेद प्रकाश साहब के साहबजादे होते हैं, उनके सन हैं, तो वो आए हैं और आप बिल्कुल समझ गए होंगे, उनके नाम ही से समझ गए होंगे कि कहाँ से आए हैं। ये आए हैं उदय क्लिनिक, जो पहले उदय क्लिनिक था, कई सालों से लगभग 42 ईयर्स से ये काम कर रहा है उदय क्लिनिक के नाम से, लेकिन अभी मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल हो गया है और ओमनी हो गया है, उदय ओमनी हॉस्पिटल। अगर ये नाम आप देखें तो आप बिल्कुल भी नहीं ये समझें कि ये नया है हॉस्पिटल, बल्कि वही पुराना हॉस्पिटल है, उसको मल्टी स्पेशल कर दिया गया है। और डॉक्टर साहब जो है उदय क्लिनिक से आए हैं, उदय प्रकाश साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल हम कर लेते हैं और फिर आज के टॉपिक के बारे में आपको बताएँगे। उनका इस्तकबाल हम हैं उन्हीं के तारुफ से, लेकिन उनका तारुफ देंगे वो खुद, क्योंकि इतना बड़ा तारुफ है, अगर मैं देने बैठ जाऊं तो प्रोग्राम का सारा वक्त उसी में निकल जाए। डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ बताइएगा। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। हमारे नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, जो भी नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और एडवाइस चाहते हैं, सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं, या आपको नी रिप्लेसमेंट की, हिप रिप्लेसमेंट की, किसी भी जॉइंट के रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम हो गई है, तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए है। तो देखिएगा, ज़रूर कॉल भी कीजिएगा, स्क्रीन पर नंबरात दिए जा रहे हैं, डॉक्टर साहब से अगर गुफ्तगू करना है वो भी नीचे नंबरात आपको दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल डॉक्टर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके आपसे मिलकर, आपके आपके व्यूअर से अब बात करने का काफ़ी सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई भी उनके क्वेश्चंस है तो ज़रूर आंसर करेंगे इसको। आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हमारे हॉस्पिटल का, और खैर मेरे बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत आई थिंक योर व्यूअर्स को, मुझे मेरे सामने यहाँ बहुत सारी डिग्रियाँ मुझे नज़र आ रही है तो मैं यही इसलिए चाह रही थी कि आप अपने डिग्री का सवाल नहीं, यहाँ पर एक्सपीरियंस का भी सवाल होता है। मैं मेडिसिन तो इंडिया में ही किया, लेकिन मैं मेडिसिन करते ही यूके चला गया और यूके में 22 साल मेरी मैं वहाँ पर था, ट्रेनिंग भी वहीं हुई, मैं कंसल्टेंट बना वहाँ पर, प्रोफेसर बना, और 10 साल कंसल्टेंट प्रोफेसरशिप करके वापस इंडिया आ गया मैं, क्योंकि वालिद का काम तो चल रहा था, लेकिन मैं बीच बीच में आते रहता था बीच में यहाँ पर, और बहुत सारे सर्जरीज, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करते थे यहाँ पर, तो वहाँ भी मैं जब वापस जाता था, यहाँ के एक्सरेज और एक्सपीरियंसेस बोलता था, तो वहाँ कर मेरे वहाँ भी मेरे कॉलीग्स काफ़ी इम्प्रेस होते थे कि ऐसा काम हो रहा है यहाँ पर, और कई कॉलीग्स मेरे साथ इंडिया आते थे, यहाँ की सर्जरीज देखते थे और बहुत कुछ सीखे यहाँ पर हमारे पेशेंट से भी, तो मुझे अच्छा लगने लगा। और मैं एक बार डिसाइड कर दिया कि देखो हमारे वालिद का जो काम है अब आगे बढ़ना चाहिए, तो हम लोग ने दूसरे हॉस्पिटल बनाने का चर्चा करने लगे, और 2 साल पहले हम लोग एक नया हॉस्पिटल खोले ओमनी के हेल्प से, तो ये भी वहीं पर है जहाँ पर उदय क्लिनिक था, बाजू का लैंड लेके हम लोग नया हॉस्पिटल खोले, और ये नाव एक 150 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स के अलावा कई और स्पेशलिटीज़ आ गए हैं, इंटेंसिव केयर है, इंटरनल मेडिसिन है, पल्मोनोलॉजी है, डेंटल वर्क है, और गैस्ट्रो है, ऑलमोस्ट सभी तरह के जितने भी मल्टी स्पेशल होने चाहिए वो सारे के सारे आपके पास सर्विस देते हैं, सारे के सर्विसेज है, और हमारे जैसे बहुत तजुर्बेदार लोग हैं, और हम लोग काफ़ी चूजी है किसको हम डॉक्टर्स बनाएं यहाँ पर, किसे हम लोग काम करें, तो ये बहुत सारे जो लोग हैं हमारे साथ, डॉक्टर विमल राय है हमारे साथ, काफ़ी वेल नोन फिजिशियन है, डॉक्टर अबकारी है, डॉक्टर प्रदीप वांगरे है, डॉक्टर समीर महिंद्रा है डेंटल सर्जन, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर इंडिया आके हम लोग, अभी मुझे 5 साल हो गए, नया हॉस्पिटल खुला है यहाँ पर, मन लगने लगा, और यहाँ पर काफ़ी काम कर चुके हैं हम लोग, और बहुत सारे नए नए चीज़ें इंट्रोड्यूस करे हैं, और ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ के जो थिएटर्स है हमारे पास, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास थिएटर्स है, मैं नहीं समझता हूँ कि हैदराबाद में इतने अच्छे थिएटर्स हैं, और क्लीन एकदम है, इन्फेक्शन बहुत, हम लोग तो रिप्लेसमेंट में तो कोई इन्फेक्शन तो देखा नहीं अभी तक हमारे हॉस्पिटल्स में। तो मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि यहाँ पर बिल्कुल मॉडर्न हॉस्पिटल है, बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें होते हैं, और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है जैसा दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, और हम लोग बिल्कुल टाइम बहुत देते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए हमको। जी जी, तो डायरेक्टर है डॉक्टर साहब उदय हॉस्पिटल, उदय ओमनी हॉस्पिटल के।
तो उनसे हम बात का आगाज़ करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट पर। तो ओवरऑल होता यह है कि नी रिप्लेसमेंट की जब बात आ जाती है तो सारा का सारा घुटना बदलने की बात होती है, लेकिन कभी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि पूरा घुटना बदलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर दर्द है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सिर्फ वो भी बदला जा सकता है। उसको कैसे कहते हैं पार्शल, तो वो क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, हम ये डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अगर आपके भी घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हिप रिप्लेसमेंट की बात आप कर रहे हैं, किसी भी जॉइंट की आप बात कर रहे हैं, शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट करना हो, तो आप स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, वो डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट भी आपको मिल जाएगी स्क्रीन पर, नीचे नंबर आपको स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। तो फ़ोन लाइन्स आपकी खुली है, अभी आप कॉल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। सवाल आप तैयार कर लीजिएगा, डॉक्टर साहब से हम आगे गुफ्तगु जारी रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले तो हम ये जानेंगे आपसे कि ये दर्द जो होता है नी जॉइंट का, तो ये दर्द कितने अकसाम के होते हैं और ये क्यों होता है, कब होता है? अच्छा सवाल पूछा है ना आपने। नी पेन और घुटने का जो दर्द है वो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हो सकता है और कई वजह होते हैं जी। और बहुत कम लोगों को हम लोग नी रिप्लेसमेंट का या पार्शल हो या टोटल हो का एडवाइस देते हैं। तो ये समझना चाहिए कि यंग लोग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनको लिगमेंट इंजरीज हो सकते हैं, बच्चों में पैदाइशी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या डेवलपमेंटल जब बड़े होते हैं थोड़े थोड़े तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी वजह से नी पेन हो सकता है। और घुटनों में ऊपर से भी पेन आ सकता है, स्पाइन से आ सकता है, हिप से आ सकता है। तो ये डॉक्टर अगर काफ़ी एक्सपीरियंस हो तो ये सब पता कर सकता है कि किस वजह से दर्द हो रहा है। तो जब हमको पता चल जाता है कि किस वजह से दर्द है तो उसकी हम लोग सही एडवाइस देते हैं। बहुत सारे लोगों को मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से काम चल जाता है और कुछ लोग जिसको बहुत ही ख़राब हो गया है घुटना, तो उनमें हम लोग सर्जरी की एडवाइस देते हैं। ठीक है, दर्द तो अर्थराइटिस होता है, एक उम्र के बाद होता है, लेकिन बच्चों में भी आपने वजूहत बता दी हैं डॉक्टर साहब। तो ये बताइएगा कि जो एक उम्र के बाद जब घुटनों में रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो कब पड़ती है और किस तरह से पड़ती है और क्यों पड़ती है? क्योंकि दर्द तो आपने बताया फिजियोथेरेपी से खत्म हो जाता है, तो हाँ फिर दर्द ये खत्म हो जाता है तो फिर वो कौन सा दर्द है जिसे बदलना ही पड़ता है? हाँ जी, तो जब आर्थराइटिस यानी वेयर एंड टियर इंग्लिश में कहते हैं, वेयर एंड टियर यानी घुटना घस जा रहा है आपका, तो जो कुदरती घुटना जो होता है उसमें एक कवरिंग होती है कार्टिलेज और एक बीच में कुशन होता है, उसको मेनिस्कस कहते हैं। तो जब लोग 45, 50, 55 के हो जाते हैं तो कुछ लोगों में, सब में नहीं, कुछ लोगों में, सब में तो थोड़ा बहुत घसता है घुटना, उम्र से घसता है घुटना, लेकिन कुछ लोगों में ज़रा ज़्यादा होने लगता है। तो एक तरफ या दोनों तरफ या तीनों तरफ तीन कंपार्टमेंट होते हैं घुटने में। तो अगर घसने लगा तो शुरुआत में दर्द और सूजन शुरू हो जाता है, इससे हम लोग मेडिसिन से या इंजेक्शन से कंट्रोल करते हैं, फिजियोथेरेपी से कंट्रोल करते हैं, और लाइफस्टाइल चेंज जैसा अपन एक्सरसाइज, जेंटल एक्सरसाइज शुरू करना है, वज़न कम करना, अच्छा डाइट खाना, उसके वजह से काफ़ी लोगों को इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि कुछ भी करने से ये दर्द नहीं जाएगा, और जब हड्डी और हड्डी रगड़ने लगती है जब, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करने ये दवाइयों से और इंजेक्शन से। तो जब हम लोग नी रिप्लेसमेंट की चर्चा करते हैं, और उसमें दो टाइप के, हमें सही बताया है कि दो टाइप के होते हैं, एक पार्शल होता है जिसमें जितना घुटना घसा उतना ही हम लोग बदलते हैं, और या टोटल होता है जी। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये कौन सा ऑपरेशन होता है और कितना जो है पार्ट आप बदल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये क्या सिर्फ नी में ही होता है या हिप में भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि इसको पूरा बदलना ही पड़ता है? हाँ जी, हिप में भी होता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर यंग लोगों में हिप का प्रॉब्लम, हिप के प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और हिप रिप्लेसमेंट भी किया जाता है ये यंग लोगों में, और दर्द और लाइफस्टाइल इतना बदल जाता है ये लोगों का ऑपरेशन के पहले कि ये लोग कुछ चल भी नहीं सकते, और थोड़ा बहुत चलने में भी बहुत बहुत दर्द होता है उनको। तो हम लोग ये स्टेज पर, उम्र का इसमें कोई वो नहीं है कि आप यंग हो तो ये नहीं कराना चाहिए, तो यंग लोगों में हम लोग हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। और आजकल मटेरियल्स इतने अच्छे हो गए हैं कि ये 90% लोगों में कभी सेकेंड सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, या तो नी कराओ या हिप कराओ या शोल्डर कराओ, ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर्स हैं जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
कोई हाईलाइन पर मौजूद? कॉल लग गई है आपकी, आप बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं नेशनल फुटबॉल प्लेयर था। जी जी। वंस अपॉन ए टाइम। अब मैं छोड़ के तकरीबन 7-8 साल हो गया। जी जी। उसके बाद से जो है थोड़ा मेरे नी में कार्टिलेज घिस गया और दोनों एक दूसरे से मिल रहे। जी जी। उससे मेरे को थोड़ा डिफिकल्टीज हो रही, कभी कोई बोलता नहीं रिप्लेसमेंट कराओ, कोई कुछ एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब का बहुत पुराना जान पहचान एक जमाने से। आप हैदराबाद से ही हैं? जी मैं हैदराबाद से ही बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस कितने दिन पहले छोड़ी आपने? जी प्रैक्टिस कितने दिन पहले छोड़ी? मैं छोड़ के तो 7-8 साल हो गया। जी जी। मगर मैं फिर आज रेफरी भी था, नेशनल रेफरी हूँ। रेफरी मैचेस खिलाने के लिए भी था, थोड़ा एक्टिविटीज। उसके बाद जरा पेन स्टार्ट हो गया तो मतलब जिम्मेदारी का काम है, छोड़ देना बेहतर है। कोच रह चुके हैं आप? जी मैं रेफरी भी हूँ, मैचेस भी देखे होंगे, फुटबॉल खेला तो नेशनल लीग वगैरह। एक्चुअली जनाब अली आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है और थोड़ा सा ब्रेक हो रही है जस्ट जी। जी हाँ अभी बताइएगा क्या बता रहे थे क्या काम करते? तो मैं रेफरी भी था उसके बाद छोड़ दिया। रेफरी थे बता रहे जी। उसके और जो है अब इतने जरा तकलीफ में हूँ। मैं इससे पहले भी डॉक्टर साहब के आया था जब मेरा खेलने का पीरियड था। अच्छा अच्छा फुटबॉल। जी हाँ फुटबॉल में। क्या डॉक्टर साहब ने क्या कहा था आपको, क्या हो गया था उस वक्त? नहीं ये पेन के लिए नहीं गया था। अच्छा। स्पोर्ट्स में मार लग गया था, स्पोर्ट इंजरी के लिए गए थे आप? ओके। अभी आप बता रहे हैं कि आपके घुटनों में जो है, मेरे घुटनों में ऐसी तकलीफ होती है बाजार तो एक चीज खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो जो है जरा चढ़ने उतरने में तकलीफ हो रही। क्या उम्र है आपकी? वजन क्या बढ़ा लिया? थोड़ा बढ़ गया मेरा। क्या उम्र है, क्या वजन है जनाब? 62 है और आपके एज मेरी वेट जो है 88 है। 88 है। हाइट क्या है आपकी? 5'10" 5'10" 5'11" जी। अभी डॉक्टर साहब से आप ये पूछना चाहते हैं कि घुटनों में बहुत ज्यादा जो शदीद दर्द है और सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं रिप्लेसमेंट के लिए। रिप्लेसमेंट से डर हो रहा क्योंकि मैं दूसरों को देखा तो सक्सेस नहीं हुए, थोड़े फिर परेशान हो गए तो ये तो डॉक्टर ने बता दिया है कि आपको जोड़ बदलना ही है। जी हाँ डॉक्टर आर के राव भी बोल रहे थे रिप्लेसमेंट सर। बिल्कुल बिल्कुल हम बात करें। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। कोई सवाल है डॉक्टर? हाँ जी शुक्रिया आपका। और ये आपका जो पोजीशन है, जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस है हमारे पेशेंट्स के। और 62 और अगर बहुत और आपकी हाइट भी ठीक है, वेट भी ठीक है, 88 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है जब हड्डी रगड़ने लगती है ना, तो फिर इंजेक्शन और मेडिसिन से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। रिप्लेसमेंट कराना कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई लाइफ सेविंग प्रोसीजर नहीं है ये, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल प्रोसीजर है। और आपका डर ये है कि नी रिप्लेसमेंट कराने से शायद मेरा पेन और बढ़ जाएगा। आप इधर उधर के कहानियाँ सुने हैं और ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हमसे पूछा जाता है पेशेंट से कि साहब ये कराने से मैं सुनी कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारे गलत फहमी है लोगों को रिप्लेसमेंट के बारे में। तो मैं आपको बताने वाला था कि ये दो तरीके के रिप्लेसमेंट्स होते हैं और जो ऑपरेशन जो करता है सर्जन जो करेगा आपको ऑपरेशन, उसको बहुत तजुर्बा होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग करेक्ट होनी चाहिए। और नॉट ओनली दैट, इनका जो हॉस्पिटल है वहाँ पर थिएटर्स अच्छे होने चाहिए, एनेस्थीजिया और पेन कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, फिजियोथेरेपी, ये पूरा टीम वर्क है। अगर ये सब अच्छा रहा ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। हमारे पास पेशेंट्स जो नी रिप्लेसमेंट्स हिप रिप्लेसमेंट्स कराते हैं वो जेंटल फुटबॉल तो नहीं खेलोगे आप, लेकिन जेंटल स्पोर्ट्स यानी हाइकिंग स्विमिंग ये सब शुरू करते हैं लोग, और जेंटल टेबल टेनिस भी खेल लेते हैं लोग, नीचे बैठ सकते हैं, कई लोग नमाज भी पढ़ते हैं नीचे बैठ के, तो ज़िंदगी बदल जाती है बिल्कुल। तो जो आपका ऑपरेशन करेगा उसका तजुर्बा बहुत बहुत अहमियत का हामिल है। तो डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दे दिया है कि अगर बहुत ज़्यादा आप पेन महसूस करते हैं तो रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन रिप्लेसमेंट ऐसी जगह कीजिएगा जहाँ बहुत ज़्यादा हाइजीनिक हो, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो और आपकी जो टीम वर्क है वो बहुत ही एक्सपीरियंस वाली टीम हो, उनके पास आप देखिएगा। हो सके तो डॉक्टर साहब से एक बार और मिल लीजिएगा अपनी रिपोर्ट्स लेकर, तो इंशाल्लाह आपके दर्द का जो है वो दरमा निकल आएगा। डॉक्टर साहब इस बारे में जैसे कि आपने बताया भी गलत फहमियाँ होती हैं, मिथ्स होते हैं, वो कौन से होते हैं और क्या क्या लेके लोग आपके सामने
सामने आते हैं, किस किस तरह से आप उनको दूर करना चाहेंगे? बहुत सारे मुझसे लोग समझते हैं कि अगर ऑपरेशन कर लिया हम फिर से नहीं चल पाएंगे, फिर से दर्द हो गया तो वो फेल हो गया, तो हम क्या जिंदगी भर ऐसे ही जो है लंगड़ के चलते रहेंगे? क्या वजन उदन बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं? पहले की तरह काम करेगा या नहीं करेगा? बहुत करेक्ट क्वेश्चंस, और एक प्रोग्राम में ये सब क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन मैं जैसा कह रहा था कि ये लाइफ चेंजिंग ऑपरेशंस होते हैं, अगर अच्छे हो गए ऑपरेशंस आपके, आपकी रिकवरी अच्छी हुई तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आप फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तो गलतफहमी ये है कि लोगों को कई ऑपरेशंस के बारे में सुना होगा कि फना फना का ऑपरेशन हुआ अब वो नहीं चल पाते हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा था कि तजुर्बा की बहुत ज़रूरत है डॉक्टर की, जहाँ पर ट्रेनिंग उनकी हुई है वो बहुत ज़रूरी है, इनका एक्सपीरियंस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग झिझकना नहीं डॉक्टर्स पूछने में कि आपका एक्सपीरियंस कितना, आप कितने करे ये ऑपरेशन, कहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हुई। तो ये बाहर तो क्वेश्चंस ये ज़रूर पूछते हैं हमारे से लोगों को, और हमारे रिजल्ट्स भी जनरल पब्लिक को ओपन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अभी इंडिया में ऐसा रजिस्टर नहीं आया है, लेकिन बाहर यूके में और स्वीडन में और ऑस्ट्रेलिया में पेशेंट्स आपका रिकॉर्ड देख सकते हैं, आपके रिजल्ट्स कैसे हैं वो सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, मैं तो जैसा मैं कह रहा था कि हमको इतना एक्सपीरियंस है कि ये हमारी ट्रेनिंग पूरी जॉइंट रिप्लेसमेंट में ही हुई, यूके में ऑस्ट्रेलिया में, और हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर थे यहाँ पर आने के पहले, मैं जहाँ पर काम कर रहा था वहाँ पर मैं एक ट्रेनर था, मेरे पास सर्जन्स अमेरिका से भी आके ट्रेन हुए, साउथ अफ्रीका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, बहुत जगह से हम लोग, हमारी एक बड़ा डिपार्टमेंट था जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग करते थे दूसरे सर्जन्स को भी। तो इसीलिए हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस है हमारे स्किल पे, हमारे रिजल्ट्स पे, इसीलिए हमारे यहाँ जॉइंट्स फेल नहीं होते हैं। अब अगर आपका किस्मत बहुत ख़राब है तो 1000 में से एक को इन्फेक्शन हो सकता है या गिर के हड्डी तोड़ सकते हैं उसके आजू बाजू, लेकिन उसका भी इलाज होता है, ऐसा नहीं कि वो एंड स्टेज है आपका, लेकिन बहुत रेयर होता है ऐसा। जी जी, तो मैं यही आपसे सवाल करने वाली थी डॉक्टर साहब के, आपके वाले साहब तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर ही रहे थे और बहुत ही अच्छी तरह से जो है यहाँ के जितने भी फ्रैक्चर थे होंगे कई पुराने, वो अभी तक माशाल्लाह अच्छे होंगे। लेकिन आप जब आए इंग्लैंड से तो क्या नई टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे लेके आए हैं आपके हॉस्पिटल को देने के लिए? तो मैं ये करेक्ट सवाल पूछे हैं आपने, मैं ये बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि हम लोग 5 साल पहले पार्शियल रिप्लेसमेंट इंट्रोड्यूस किया हैदराबाद को। जी, पार्शियल रिप्लेसमेंट होता क्या है? मैं आपको बताऊंगा ये पार्शियल यानी बहुत सारे लोगों को जब हड्डी और हड्डी घसती है एक ही कंपार्टमेंट में घसती है और इतना दर्द होता है कि वो चलना, यहाँ से वहाँ जाने को भी उनको बहुत मुश्किल होता है, बैठ के उठने पर बहुत दर्द होता है, और मतलब घर के बाहर जाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, उनको सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता है। तो सिर्फ एक कंपार्टमेंट भी अगर ख़राब हो गया तो ऐसा हो सकता है। तो लोग जनरली क्या कहते हैं कि आप रिप्लेसमेंट करा लो, यानी टोटल नहीं करा लो, क्योंकि अब दूसरे जो कंपार्टमेंट्स अच्छे हैं उसको भी बदल देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। पार्शियल में क्या है, छोटा सा ऑपरेशन होता है, सिर्फ छोटे से इंसिशन से होता है, और इसमें ऑपरेशन के बाद आप वही दिन चलने लगते हैं, 2 दिन में घर जाते हैं, इसमें आपका दर्द बहुत कम रहता है पोस्ट ऑपरेटिवली, आपका मूवमेंट पूरा आ जाता है, और 2-3 हफ्ते में लोग नीचे भी बैठने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और इसमें दूसरा कंपार्टमेंट घिस जाएगा वो ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आपका अलाइनमेंट करेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए पार्शियल रिप्लेसमेंट हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 50% लोगों जो रिप्लेसमेंट कराते हैं उनमें पार्शियली किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, आप ये ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि पूरा घुटना बदलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर दर्द हो आपको सिर्फ वहीं पर ऑपरेशन किया जा सकता है। इस पर और भी बात करेंगे, एक कॉलर हम और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थोड़ी सी आवाज़। जी जी फरमाएं। हम हाँ मोहतरमा, 1 मिनट हम समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, फिर से बात कीजिएगा, क्या सवाल है आपका? 96 ईयर ओल्ड नानी है। जी हुआ। ठीक है, कब हुआ? वो कम नहीं हो रहा, दर्द हाफ पेन है उनके नी में, क्यों कम नहीं हो रहा, कभी भी नहीं होगा ना होगा। अच्छा, कब, कितने साल पहले हुआ नी रिप्लेसमेंट? 2017 अगस्त। ठीक है ठीक है, तो अभी दर्द उनका बहुत ज्यादा है, कम नहीं हो पा रहा है, दर्द हाफ है, हाफ दर्द है।
यानी पहले जितना दर्द था उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दर्द है, वो कब तक कम हो सकता है? नहीं, हाफ है, 50% पेन है। तो मैं बोलते मरे तो जाता दर्द, मैं बोलती नहीं जाता नानी, मैं अभी कितना चल पाती है वो? हाँ 90, क्या बोले आप? कितना चल पाती है अभी उस दर्द के साथ, चल रही है वो? थोड़ा रूम से बाथरूम, बाथरूम से रूम, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। 96 एज है तो दो साल पहले गया। दर्द जाएगा कि नहीं जाएगा? हमेशा रहेगा दर्द। नी रिप्लेसमेंट जो था वो कामयाब हुआ है ऑपरेशन? हाँ कामयाब हुआ, हॉस्पिटल भी जाके आए रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद। अच्छा, लेकिन उनका दर्द तो है, दर्द चले जाना, दर्द जाने के लिए क्या करना, दर्द जाएगा क्या नहीं जाएगा डॉक्टर साहब से, ये सवाल है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे आपका सवाल, सवाल ऐसा है आपका, चलिए ठीक है, हम बिल्कुल बताएंगे डॉक्टर साहब। ये जो एक 96 इयर्स है, दो साल पहले करवाया था, तो इसमें एज कोई माने नहीं रखती जी रिप्लेसमेंट में? मैं ये भी नाज़िम की तरफ से बोल रहा है कि जब 94 की थी वो रिप्लेसमेंट कराए, और तो देखना तो जरूर पड़ेगा उनको, और ऐसा माशाल्लाह हज भी जाके आई है तो करने के बाद तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन दर्द है। क्यों दर्द हो रहा है वो मैं सिर्फ पेशेंट को देखे बाद ही, एक्सरे लिए बाद ही, एग्जामिन करे बाद ही बताऊंगा, क्योंकि ऐसा टीवी पे बैठे बैठे विदाउट पेशेंट सामने, अगर सामने नहीं है मेरे, क्योंकि दर्द क्यों हो रहा है कई वजह होते हैं, तो जब तक पेशेंट सामने आता नहीं, जब तक हम बता नहीं सकते कि दर्द किस वजह से है, ऑपरेशन कामयाब हुआ या नहीं हुआ, वो पेशेंट को देखे बाद ही। एक बार आ जाइए आप, कंसल्टेशन कर लेंगे उनसे, और उसके बाद मैं बता पाऊंगा आपको क्यों होता है दर्द। चलिए ठीक है, इनके हवाले डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया है कि एक बार आप नानी को लेके जाइएगा तो दर्द की वजह भी पता चल जाएगी और उसका इलाज भी हो जाएगा। 96 इयर्स उन्होंने बताई है, तो क्या एक उम्र होती है या चेंज करने की, या कभी भी किया जा सकता है? अगर फिटनेस है पेशेंट में, यानी उनका शुगर कंट्रोल में है, बीपी कंट्रोल में है, और कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, और उनके टेस्ट होते हैं, काफ़ी टेस्ट होते हैं ऑपरेशन के पहले, जैसे फ्लाइट्स के चेक होते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ होने के पहले, वैसे ऑपरेशन के पहले भी हम लोग कई टेस्ट करते हैं। अगर वो सब ठीक है, नॉर्मल है, रिस्क कम है, तो हम लोग जरूर करते हैं। 94 के हम लोग रिसेंटली 102 इयर्स ओल्ड लेडी में भी हिप रिप्लेसमेंट किया था, क्योंकि अच्छा। उनका हिप टूट गया था तो चल नहीं पा रहे थे, उससे पहले चल रहे थे वो। अच्छा। तो हम लोग पूरा उनका ऑपरेशन करेंगे, वो चलती भी घर गई फिर से, तो कर सकते हैं, उम्र का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो अभी ये जो हम मिथ्स की बात कर रहे थे कि इंडियन टॉयलेट्स क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, क्या बहुत ज़्यादा भाग दौड़ सकते Correct. हैं, या स्पोर्ट्स मैंस हैं तो वो फिर से वापस वो कर सकते हैं, आर्मी वाले हैं या जो बहुत ठहरने का काम कर सकते हैं वो वापस अपने प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं? तो मैं बता रहा था कि देखो ये पेन किस वजह से होता है, वो सिर्फ आर्थराइटिस की वजह से नहीं होता है, यंग लोगों में या आर्मी के लोगों में या फुटबॉल प्लेयर्स में, क्रिकेट प्लेयर्स में लिगामेंट्स टूट जा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहूँगी, एक कॉलर हम और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून, मैं अतापुर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी, मेरे कमर में जो प्रॉब्लम है नंबर 4, 5, 6 में गैप है, कमर की बात नहीं, इसमें डॉक्टर तो बता रहे हैं कि जो नर्व कंप्रेस हो रही है जी, तकरीबन मेरे को 7 साल से प्रॉब्लम है ये, तो मल्टीपल डॉक्टर्स वगैरह को बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, तो टेम्पररी पेन रिलीफ होता सर इंजेक्शन वगैरह लेने से, लेकिन अभी कमर का महीना 2 महीने के बाद फिर पेन शुरू हो जाता है, तकरीबन 1-2 वीक तक मैं बेड रेस्ट पे रहता हूँ कम्प्लीट। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको बताएंगे, हम यहाँ पे नी और हिप की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब मुनासिब चाहे तो आपका जवाब देंगे, क्या कहना चाहेंगे? खैर मैं नेक पेन और बैक पेन में स्पेशलाइज तो नहीं करता हूँ, कई मेरे पेशेंट्स बैक पेन नेक पेन लेकर आते हैं मेरे पास, अगर ये मैं फिजियोथेरेपी और मेडिसिन ठीक कर सकता हूँ तो करता हूँ ज़रूर, लेकिन ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत फेमस डॉक्टर है बैक और नेक स्पाइन के, डॉक्टर राघव दत्त, तो वो आपको बता पाएंगे कि आपका जो L4-5, L3-4 में जो नस कंप्रेस हो रही है वो सिग्निफिकेंट या कोई बड़ी चीज़ है या नहीं। एक बार उनसे ज़रूर मिलिएगा आप, आपको वो बहुत टाइम देंगे, सही वक्त देंगे, और आपसे आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या, किस वजह से है और कितने दिन रहेगा, इसका इलाज क्या है, वो सब बताएंगे आपको। तो एक बार ज़रूर डॉक्टर राघव दत्त से मिलिए आप, वहाँ पर उदय ओमनी हॉस्पिटल में ही अवेलेबल रहेंगे। डॉक्टर दत्त की, राघव दत्त की बात की है, आप एक बार जरूर उनसे मिल लीजिएगा। डॉक्टर साहब जो है नी और हिप रिप्लेसमेंट की हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब आप लिगामेंट की बात कर रहे हैं, तो लिगामेंट, तो मैं ये कह रहा था कि जब बहुत सारे हमारे पास यंग लोग आते हैं मोटरसाइकिल से गिर के या एक्सीडेंट्स के बाद, इनके लिगामेंट्स टूट जाते हैं और ये उनको नी में कुछ इंस्टेबिलिटी जैसा महसूस होता है, गिरे जैसा महसूस होता है कभी चलने पर या
ट्विस्ट करने पर, तो स्पोर्ट्स इंजरीज भी काफ़ी होते हैं यहाँ पर, उसकी वजह से भी दर्द होता है। तो जब ये दर्द होना शुरू होता है या इंस्टेबिलिटी महसूस होती है, तो हम लोग इनका MRI करा के मालूम करते हैं कि कौन सी लिगामेंट टूटी है, इसको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, इसको फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं या नहीं है, और इसको आप कैसा देखभाल करना है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, 2 वीक्स में, 4 वीक्स में, इसका रेस्ट कितना करना है, एक्सरसाइज कितना करना है, सब हम लोग बताते हैं आपको। तो ये एक यंग लोगों में दर्द की बात हो रही है, तो इसके स्पोर्ट्स के अलावा कई लोगों को नी में कभी कभी इन्फेक्शन्स की वजह से भी होता है, कभी कभी गठिया की वजह से भी होता है, तो ये बहुत सारे वजह हैं। तो इसीलिए एक तजुर्बेदार डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई नी पेन का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज जनरली जो घुटने में दर्द होता है वो इन लोगों में दर्द होता है जिसकी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है या गलत हो, जिसका वेट बहुत बढ़ जाता है, जो घर में ज़्यादा रहते हैं, जो बाहर नहीं फिरते, जिसको धूप नहीं लगती, जिसकी हड्डी कमज़ोर होती है, जिसका वेट इतना बढ़ जाता है कि घुटना भी दबने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स, मेरे 80% पेशेंट्स में यही लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम होता है। तो अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हैदराबाद में एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। आप बाहर जाओ, फुटपाथ आपका ऑक्यूपाई कर लिया गया है, रोड्स ख़राब है, लोग उल्टा चलाते हैं, हेल्थ का रिस्क है, हर जगह धूल मिट्टी है। तो मैं ये अपने मतलब देशवासियों से और अपने पॉलिटिशियन से भी एक विनती करता हूँ कि हाँ कि ये देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर हेल्दी रहना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए पार्क्स बनाना चाहिए और लोगों को चलने फिरने के लिए जगह होनी चाहिए। अब बाहर जाओ, यहाँ से देखो चलने की जगह नहीं है आपको, तो लोग ये कहते हैं कि सर मैं कहाँ चलूँ, कहाँ पर जाऊँ मैं हेल्थ एक्सरसाइज। तो लोग जिम जाते हैं, छोटी जगह में भागते रहते हैं, छोटे कमरे में, ये अच्छी चीज़ नहीं खुल। हाँ, तो फ्रेश एयर, फ्रेश सनलाइट बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। डाइट करेक्ट रहनी चाहिए, अपना डाइट भी बहुत गलत है ये देश में। स्वादिष्ट होता है, जबान को अच्छा लगता है, लेकिन अंदर जाके बहुत ख़राब करता है। बिरयानी है, डबल का मीठा है, ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं। तो ये देख संभल के कभी कभी खाओ ज़रूर, लेकिन देख संभल के खाना है। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक कॉलर और ले लेते हैं हम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल लेके हाँ, बात करें। जी देखिए मैडम, मेरे को जो है ना 2 साल हो गया, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, और मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास बताई भी हूँ ऑलरेडी, 1 ईयर तक पूरा कम्प्लीटली कोर्स करी हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना मेरे को घुटनों का दर्द यानी कि थोड़ा सा कम है। अब मैं नीचे नहीं बैठ रही हूँ, अमोट यूज कर रही हूँ, और बेड पे ही ज्यादा बैठती हूँ, नीचे भी नहीं बैठती हूँ, लेकिन अब जो है घुटने के नीचे हिस्से में स्वेलिंग आ जा रही है दोनों घुटनों में। अभी अभी क्या उम्र आपकी है जी? क्या एज है आपकी? एज मेरी 40 है। अच्छा, आपने एक्सरे वगैरह करवाया होगा, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? जी हाँ, एक्सरे वगैरह करवाई, एक्सरे में तो नॉर्मल है, और विटामिन डी का टेस्ट करवाए थे, उसमें थोड़ा सा विटामिन की कमी थी। वजन क्या है आपका, हाइट क्या है? वजन मेरी हाइट 5'2" है और मेरा वेट 64 है। ओके ओके, ठीक है। चलिए, अभी डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया है आपको, पिछले डॉक्टर ने? लाइन ड्रॉप हो गई गालिबन, तो यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से आकर के आपके सवाल का जवाब देंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा। डॉक्टर उदय प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उदय ओमनी हॉस्पिटल से आए हैं। जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक, आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर उदय प्रकाश हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही मज़े की गुफ्तगु चल रही है नी रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट के बारे में। ब्रेक से पहले एक कॉलर ने हमें कॉल किया था, एक और कॉलर हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। आप नमस्ते बोलिए, क्या सवाल? मेरा नाम स्वाति है मैडम, मैं वरंगल से बात कर रही हूँ जी। मैडम मेरे को एक डाउट है मैडम, मेरे को एक्चुअली मेरे को मेटल एलर्जी है मैडम। किस तरह की एलर्जी? आपको हिप और जॉइंट रिप्लेसमेंट से कोई बात? नहीं, नी का रिप्लेसमेंट करना था, करवाना था जी।
तो एक्चुअली मुझे मेटल एलर्जी है, तो जो मेटल जो नी में डालते ना उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता क्या मेरे को, वो पूछने का था मैडम सर। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, ठीक है। रिप्लेसमेंट के बारे में डॉक्टर बोल दिया है आपको डॉक्टर ने? हाँ, यस। क्या उम्र है आपकी, क्या रिप्लेस करवाना है आपको? नी नी का मैडम। क्यों रिप्लेसमेंट करवाना है, क्या हो गया आपके नी में? एक्चुअली नी में घुटने में क्या है मैम, वो थोड़ा क्रैक जैसा आ गया पूरे, तो वहाँ पे थोड़ा रिप्लेसमेंट पार्शियल रिप्लेसमेंट का करवाना कंपलसरी है बोल के बोले थे, तो इसीलिए मेरे को डर है अगर ये मेटल का जो एलर्जी है मेरा, तो वो रिप्लेसमेंट करवाने के बाद अगर उससे थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकता क्या ये एलर्जी की वजह से, तो वो उसके बारे में कुछ सवाल कुछ करना है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ सवाल करेंगे जवाब दीजिएगा। कौन से, थैंक यू फॉर कॉलिंग, कौन से मेटल, कौन से मेटल की एलर्जी है आपको? एक्चुअली नॉर्मल मेरे को सभी मेटल से, मैं वैसा स्पेसिफिकली कुछ नहीं, नॉर्मली सेफ्टी पिंस जो भी यूज करती वो उससे भी एलर्जी है, स्किन को अगर क्या होता है आपको, स्किन पे होता है क्या कुछ? इचिंग, इचिंग जैसा आ जाता, रैशेस आ जाते, रैश आता है आपको? आप इसकी कभी टेस्टिंग कराए, आप कोई इम्यूनोलॉजिस्ट के पास जाके वारंगल में, आप वारंगल से बात कर रहे हैं ना? यस सर। तो वहाँ पर अश्विनी हॉस्पिटल में डॉक्टर व्याकरण है, उनसे एक बार मिलिएगा आप। उनको ये इम्यूनोलॉजी और एलर्जी के स्पेशलिस्ट है, वो हैदराबाद में काम करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक या दो बार वो वारंगल जाते हैं अश्विनी हॉस्पिटल, तो उनसे मिल सकते हैं आप। लेकिन आपका अगर आपका ये स्टेज है कि आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो स्पेशल टाइप के रिप्लेसमेंट्स मिलते हैं जिसका, जिसपे एक कोटिंग होती है, ये एलर्जी फ्री कोटिंग होती है इसकी, तो इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो आप मतलब इसमें टाइम तो नहीं है हमको, इतना बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन एलर्जी, एलर्जी फ्री मेटल्स भी मिलते हैं, यानी ये जो मेटल होता है इस पर कोटिंग होती है सेरामिक की, तो इसको ऑलमोस्ट नॉन मेटल हो जाता है ये, तो इसके बारे में हम लोग, आप एक बार आके मिले मेरे से, तो अपन इसके बारे में बात कर सकते हैं। ओके सर। तो नॉर्मली एक्चुअली बोले तो अभी तो मैं कुछ, तो भी फ्रैंक सर मैं नॉर्मल कोई भी मेटल यूज नहीं करती, गोल्ड प्लेटेड का वैसा कुछ भी है तो वैसा कुछ है क्या वो? है गोल्ड प्लेटेड नहीं है वो, उसको गोल्ड के जैसा लगता है, वो लोग कहते हैं गोल्ड प्लेटेड, लेकिन वो इस क्या बोलते हैं इसका सेरामिक है, वो टाइटेनियम नायोबियम नाइट्राइड की कोटिंग होती है वो, तो वो गोल्ड जैसा लगता है, तो इसीलिए उसको लोग गोल्ड नहीं कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं है उसके बारे में बात करने का, लेकिन अगर लोगों को बहुत सवाल आते हैं इसके बारे में पूछना है तो जरूर बात करूंगा मैं, लेकिन आपके ऊपर टाइम रहा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था आप कॉलर के आने के पहले कि एक लेडी का सवाल थी उनकी एज 64 वजन था 5'2" है, और उन्होंने बहुत अच्छे दर्द था और वो नीचे नहीं बैठती, हाँ, तो उनको कोई बताया होगा कि आप नीचे नहीं बैठना, और कोई बताया होगा कि स्टेयर्स नहीं चढ़ना, और कोई बताया होगा कि नीचे नमाज नहीं पढ़ना, तो ये सब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप में, आपके एक्सरेज में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, अगर चेंजेस है भी तो आप नीचे बैठना नहीं छोड़ना, ये मैं बहुत क्लियरली बताना चाह रहा हूँ अपने पब्लिक को कि यहाँ पर बहुत सारे ऑलमोस्ट ऑल डॉक्टर्स, अक्सर ये सुना गया, अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप नीचे नहीं बैठो, घुटनों में अगर दर्द हो, कमर में दर्द हो, टेके से बैठो, टेका नहीं छोड़ो, तो क्या ये चीज़ें सब गलत है? अपने को भगवान अल्लाह मियाँ जो है सो ऐसे घुटने दिया जो 150 डिग्रीज तक मूव हो सकते हैं, अगर उसको इस्तेमाल नहीं किए आप तो ये खराब जरूर होंगे, तो अगर आप नीचे बैठ के जब ऊपर उठते हैं तो आपके मसल स्ट्रांग होना चाहिए, तो अब इसीलिए मैं आपको फिटनेस के बारे में बता रहा था कि आप फिट अगर रहे तो आप नीचे बैठने का स्किपिंग कर सकते हैं और जंपिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आर्थराइटिस में एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तो मैं इसीलिए लोगों को, मैं जब पेशेंट्स आते हैं मैं उनको कहता हूं कि आप 5 बार नमाज पढ़ो, आप योगा करो, आप सीढ़ियों पर ऊपर नीचे जाओ, आप इन वेस्टर्न कमोड की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करो, एक्सरसाइज करो, ये सब करते रहो आप घर पर, और इवेंचुअली जैसा आपकी आदत छूट गई तो फिर से आदत होने की गुंजाइश है, तो इसीलिए आप ये सब छोड़ना नहीं, आपको कार्टिलेज पीछे तक होता है घुटने में, और आप इसका इस्तेमाल करो, अगर आप नहीं करें तो ये और बिगड़ जाएगा। हमारे वालिद कहते हैं ना कि आराम हराम है, रेस्ट इज रस्ट, ये सब ज़रूरी नहीं है आपको रेस्ट करने की, आप हर चीज़ कर सकते हैं, बिस्तर पर मत बैठो, आप कुर्सी पर मत बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठने का और खाने का मज़ा बहुत अलग होता है।
ये घुटनों के दर्द से वजन का क्या ताल्लुक है डॉक्टर साहब? तो घुटनों में क्या है कि जब आप चलते हो तो पूरा जो शरीर का जो वजन होता है एक छोटे प्लेटफॉर्म पे गिरता है, वो कहलाया जाता है घुटना। घुटने में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, छोटा सा जॉइंट होता है। तो ऊपर का जो शरीर मोटा है तो ये अब जब एक कदम जब आगे लेते हैं, जब उस पर 3 गुना आपका वजन गिरता है, तो आप 5 किलो भी बढ़ गए हैं तो 15 किलो घुटने से बढ़ जाता है। तो अगर आप 10-25 किलो बढ़ के ज़्यादा आपका आइडियल वेट से, तो लगभग 100-125 किलो ज़्यादा गिरता है उस पर। तो इसलिए घुटने घिसने के चांसेस होते हैं कि नहीं, जहाँ गुंजाइश होती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि घुटने में गैप आ गया है, वो गैप आता है या जाता है? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। गैप ऐसी चीज है जो ना डॉक्टर को मालूम क्या है, ना पेशेंट को मालूम क्या है। तो ये हमारे वालिद कहते हैं गैप आपके घुटने में नहीं है, आपके कानों के बीच में है। कैसे? तो यानी गैप है यानी कोई, तो आप समझना चाहिए कि गैप कोई डायग्नोसिस नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप अगर कम होता है यानी एक्सरे में जब आप देखते हो तो घुटने में गैप दिखता है, वो गैप नॉर्मल है, वो आपके कार्टिलेज होने की वजह से है। अगर गैप चला गया, हड्डी और हड्डी रगड़ने लगी, तो वो गैप चला गया आपका, वो गलत चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। तो गैप अगर कम हो गया या कम होने लगा है तो यानी आपको आर्थराइटिस होने लगा है। ठीक है, एक कॉलर हम और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, फरमाए क्या सवाल है? वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा क्या सवाल है? जी क्या सवाल करना चाहते हैं? मैडम मेरे को 10 साल से घुटनों में प्रॉब्लम है। 10 साल से है आपको? जी जी जी। 65। हेलो जी जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? घुटने में प्रॉब्लम है मैडम, घुटनों में। मतलब दर्द होता है या आवाजें आती हैं या एक्सरे क्या कह रहा है? उठने बैठने में तकलीफ होती है। ठीक है, अब वजन कितना है आपका जनाब? मेरा वजन 95। बहुत बड़ा लिया। हाइट क्या होगी? 5'11" है मैडम। क्या करते हैं आप जनाब? मैं जॉब। कौन सी वाली जॉब है? जॉब है मैडम, ऑफिस में काम करता हूँ। मतलब बैठे रहने का काम है आपका? बैठे रहने का काम कुछ वो मैं पूछना चाह रही हूँ। कुछ एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज? बैठे कितने घंटे बैठते हैं आप? कुछ एक्टिविटी भी करते हैं? एक बार ये वो नी रिप्लेसमेंट के लिए मैं बताया 2-3 डॉक्टर्स को। जी बताया हूँ, तो मेरे दोस्त के फादर नी रिप्लेसमेंट कराए तो उनका घुटना ऑपरेशन के बाद पलट गया। अच्छा, वही जरा डर होता है मैडम। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब से उनसे ही नाम सुना था, मैं हमारे दोस्त से जी घुटना सही करे तो वही डर होता है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, सुनिएगा। नहीं आप देखिए, घुटना अगर आपको दूसरों के बारे में पता चला कि इनका ऐसा हो गया ऑपरेशन के बाद, वैसा हो गया ऑपरेशन के बाद, वो शायद ऑपरेशन के टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो ये इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब ऑपरेशन करते हैं तो जो सर्जन करता है तो उसको बहुत तजुर्बा होना चाहिए, उसका थिएटर क्लीन होना चाहिए, उसका फिजियोथेरेपी टीम अच्छी होना। अगर ऑपरेशन के टाइम पर या उसके बाद अगर बैलेंसिंग नहीं रहा, लिगामेंट्स टूट गए या बराबर बैलेंस नहीं हुआ था घुटना ऑपरेशन के टाइम पे, तो ऐसी चीज़ें हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी जब आप अपना घुटना कराते हैं तो अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाइएगा, और वो सेंटर भी काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो डॉक्टर अगर ऑपरेशन करके चला गया कहीं तो भी आपका रिजल्ट ख़राब हो सकता है, क्योंकि अगर फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा नहीं रहा या आपका पेन कंट्रोल बराबर नहीं रहा तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए ये टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, पेशेंट भी अच्छा होना चाहिए, पेशेंट जो कराना चाहता है वो अपने आप से आगे बढ़ना चाहिए, किसी को उसको फोर्स नहीं करना। तो वो जब कहेगा मेरे को डॉक्टर साहब मैं रेडी हूँ सर्जरी के लिए, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसीलिए अब डरना नहीं, एक बार आके मिलो, अपन बात कर सकते हैं इसके बारे में इत्मीनान से। आपको मैं कई एग्जांपल्स बता सकता हूँ अपने पेशेंट्स के बारे में, कई नंबर्स दे सकते हैं आपको। अब कई जो पेशेंट्स जो करा लिए हमारे पास, उनसे आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं जाके, उनकी ज़िंदगी कैसी बदली वो सब बात कर सकते हैं। इनके हवाले से थोड़ी सी ये बात हम सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब, कि क्या क्या जो है इसमें अगर हो पेचीदगियाँ तो हो सकती हैं, या फिर जैसे इन्होंने बताया कि कोई ऑपरेशन फेल, अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो किस वजह से हो सकता है, कब हो सकता है और किन लोगों में हो सकता है, और ऑपरेशन से पहले किन किन चीज़ों की हिदायत आप देते हैं, ऑपरेशन के बाद किन क्या हिदायत देते हैं पेशेंट्स को? पेशेंट्स कई वजह हो सकते हैं फेल होने के लिए। मैं यूजुअली जब ऑपरेशन फेल होता है तो अर्ली फेलियर्स
जो होते हैं वो या तो इन्फेक्शन की वजह से होता है या तो लिगामेंट बैलेंसिंग जब नहीं हुआ, जब घुटना बैलेंस नहीं होता है तो घुटने में जब मोड़ते हैं, जब सीधा होता है तो घुटना हिल सकता है अपनी जगह से, तो इसीलिए लिगामेंट्स को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए स्टेबिलिटी घुटने में रहना बहुत ज़रूरी है। तो टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हो सकता है, ऑपरेशन टाइम पर केयरफुल होना चाहिए, जैसा जब कट्स करते हो तो हड्डी को मार नहीं लगना चाहिए, कभी कभी अगर हड्डी वीक हो गई ऑपरेशन के टाइम पे तो ऑपरेशन के बाद टूट सकती है। तो इसीलिए ये सब टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता तो नहीं सकूँगा, हाँ, सही है, सही है। बहुत ज़रूरी है कि ये आपका जो नॉलेज है नी रिप्लेसमेंट के बारे में, नी बायोमैकेनिक्स के बारे में, नी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर टेक्निकली अगर ऑपरेशन अच्छा हुआ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पोस्ट ऑपरेशन क्या फिजियोथेरेपी जरूरी है, एक्सरसाइज उनके लिए कितनी जरूरी हो जाती है? बहुत जरूरी है। और कितनी जल्दी जो है वो लोग अपने अपने काम पे लग सकते हैं या चल भाग दौड़ सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। तो नी रिप्लेसमेंट इतना कॉमन हो गया है बाहर, इंडिया में बड़े बड़े सेंटर्स में हो रहा है और मैनी सिटीज में हो रहा है, और तो अभी नी रिप्लेसमेंट बढ़ गया इंडिया में भी। ये ऑपरेशन के बाद आप हॉस्पिटल में यूजुअली 2 या 3 दिन होते रहते हैं वहाँ पर, उस बीच में आप चलने लगते हैं, वॉशरूम भी जाने लगते हैं और कई लोग सीढ़ी भी चढ़ने लगते हैं। तो शुरू में वॉकर से चलते हैं 4-5 दिन या कभी कभी 2 हफ्ते, उसके बाद से छड़ी से चलने लगते हैं, फिर 1 महीने में छड़ी भी छूट जाती है। कई लोग मेरे पास जब सूचर स्टिचेस निकालने आते हैं जब तक उनकी छड़ी छूट जाती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अरे मैं तो इतना मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ कि मुझे छड़ी की ज़रूरत ही ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं छड़ी लेके चलूँ। तो कई लोग 4 से 6 हफ्ते में काम पर लग जाते हैं। अगर उनका मैनुअल काम है तो शायद आप थोड़ा और टाइम लेना, क्योंकि स्ट्रेंथ आने में टाइम लगता है। घुटना जब फॉरेन चीज़ जब घुटने बॉडी के अंदर होती है तो बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। मसल आर्थराइटिस में क्या होता है कि मसल या अपने अजले जो होते हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल जिसको कहलाया जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो ये मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऑपरेशन के बाद जब दर्द कम होने लगता है तो लोग फिर से इस्तेमाल करने लगते हैं अपने घुटने को, अपने अजलों को मजबूत करने के लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। वो जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज जो आपको हॉस्पिटल में बताते हैं वो घर में कर सकते हैं आप। कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट घर पे भी आते हैं। अब हमारे पेशेंट का मतलब इनकी जो कैसी हालात है वो देख कर हम रेकमेंड करते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं ऑपरेशन के बाद। कितना लंबा चलता है ये? यूजुअली 2 से 4 हफ्ते बस है सर्जरी के बाद, उसके बाद आप खुद ही करना घर में। मतलब ये जो ऑपरेशन नया जॉइंट जो डाला होता है वो कितना लंबा चलता है डॉक्टर साहब? हाँ, ये सवा विषय उसका। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आजकल के जो मॉडर्न जॉइंट रिप्लेसमेंट से मॉडर्न टेक्निक्स है, इससे लगभग ये 20 से 25 साल तो आराम से चल सकते हैं। माशाल्लाह। मैं ये बताता हूँ मेरे पेशेंट्स को कि अगर आप नी रिप्लेसमेंट किया आज तो 90% चांस है कि जिंदगी में इसको कभी सेकेंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10% चांस शायद है, अगर आप बहुत यंग हैं तो शायद 25-30 साल में शायद एक और सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती, लेकिन ये कोई प्रोवन साइंस नहीं है, क्योंकि ये नी रिप्लेसमेंट्स जो मॉडर्न नी रिप्लेसमेंट्स है वो 20-25 साल से चल रहे हैं, और अभी तक जब अगर आप 100 आज किए और 20 साल के बाद उनको देखें तो ऑलमोस्ट 90% अभी अच्छे हैं। माशाल्लाह। तो अभी बहुत सारे नाज़रीन के दिलों में दिमागों में ये सवाल चल रहा होगा, उनकी तरफ से मैं सवाल क्या मैं आपसे कर सकती हूँ कि बहुत सारे हमारे हर तबके के लोग जो है देख रहे हैं, तो क्या ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है? पोर्शियल की बात करें हम, अदर या फिर फुल रिप्लेसमेंट की बात करें, क्या हर आदमी की पहुँच में है? हाँ, ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है और अनफॉर्चुनेटली ये ऑपरेशन है। हाँ। ये इसमें जो इम्प्लांट्स हम लोग यूज़ करते हैं ये बाहर से आते हैं, जनरली इंडिया में भी बनने लगे आजकल, बाहर के मशीनों से बना रहे हैं, जैसे BMW मर्सिडीज इंडिया में बन रही है, वैसे नी रिप्लेसमेंट्स भी बनने लगे और इसके पार्ट्स हाँ बाहर से आते हैं, उसको फिनिशिंग करके पैकेजिंग यहाँ पर होती है। तो इसका डिज़ाइन बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल बाहर जो बनते हैं वही कंपनीज इंडिया में आजकल बना रहे हैं। तो आप अगर कोई डॉक्टर अगर आपकी मतलब अफोर्डेबिलिटी नहीं है बाहर का घुटना डालने की, तो यूजुअली आप इंडियन डाल सकते हैं, उसकी भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि आजकल के जो 1 या 2 घुटने जो इंडिया में बन रहे हैं वो काफ़ी साइंटिफिक है और अच्छे हैं। तो ये सर्वाइवरशिप जो बात करें हम लोग, ये डेफिनेटली ये टेक्निक पे भी होता है, डॉक्टर के टेक्निक पे, हॉस्पिटल पे होता है। तो अगर आपका फर्स्ट 5 ईयर्स प्रॉब्लम नहीं रहा तो इस लाइकली ये आपको ज़िंदगी भर चलेंगे, लेकिन कोई गारंटी ऐसा नहीं देता है।
अच्छा अच्छा, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना है, लेकिन एक्टिव रहना आपके अजलों को, गिरना नहीं है, एक्सीडेंट वगैरह तो होता है कभी कभी, जनरली गिरने से भी नहीं टूटते हैं ये, लेकिन अभी बहुत उम्र हो गई, आप 90 हो गए तो हड्डी कमजोर हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं, अपने हाथ में नहीं है। ट्रैवलिंग की अगर बात करें तो कितना सफर कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं आप। हमारे यहाँ तो बाहर से बहुत लोग आते हैं, अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से, दुबई से, रियाद से, वो 2-4 हफ्ते में वापस चले जाते हैं फ्लाइट में, तो कितना भी ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जैसे कि अभी एक कॉलर ने कॉल किया था कि ऑपरेशन से घबराते हैं, तो इनकी जो गलत फहमियाँ हैं वो आप किस तरह से दूर करना चाहेंगे कि कितनी देर का ऑपरेशन होता है, कितना जल्दी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चीड़ फाड़ नहीं होती होगी, जैसे पार्शल अगर हो गया है तो उसके लिए कितना, पार्शल के लिए, तो पार्शल के लिए जैसा आप कंपेयर अगर करें आप, तो पार्शल रिप्लेसमेंट सिर्फ 6 सेंटीमीटर के इंसिशन से होता है, इतने सा, और टोटल नी जो है सो 15 से 18 सेंटीमीटर यानी 6 इंच के इंसिशन से होता है, तो चीर फाड़ मॉडर्न टेक्निक से बहुत कम चीरफाड़ से कर सकते हैं। आजकल हम लोग सब मस्कुलर टेक्निक या सब वैसिस टेक्निक से करते हैं, जिसमें मसल भी हम लोग नहीं खोलते हैं, तो न मसल के अंदर से ये ऑपरेशन किया जाता अच्छा, है माशाल्लाह। तो इसीलिए रिकवरी बहुत जल्दी होती है, और हमारे यहाँ जो एनेस्थेटिक टीम है ये बहुत माहिर है अपने काम पर, और ये लोग नर्व ब्लॉक्स करते हैं ऑपरेशन के पास, ऑपरेशन के बाद, तो नर्व ब्लॉक से ऐसा होता है कि आपका ऑलमोस्ट 60-70% पेन खत्म हो जाता है, तो इसीलिए आप वही दिन उठ के खड़े हो सकते हैं माशाल्लाह। तो इसीलिए हमारे कई लोग दूसरे दिन घर जाते हैं, क्योंकि ये नर्व ब्लॉक इतनी अच्छी चीज है कि आपका पेन ही नहीं रहता, पेन रहता है थोड़ा सा, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन मामूली सा रहता है, टैबलेट से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसीलिए आप रिकवरी भी जल्दी होती है। ठीक है, वो लोग जिनको कहा गया है ऑपरेशन के लिए, तो एक बार ज़रूर सेकेंड ओपिनियन के लिए इसे, लेकिन डॉक्टर साहब से मुलाकात कीजिएगा, और डॉक्टर साहब ने बतला दिया है कि कोई इसमें बड़ी सर्जरी नहीं है, किस तरह से प्रोसीजर होता है, कितनी जल्दी आप अपने काम पर वापस जा सकते हो, तो बिल्कुल घर बैठे बैठे सोचिएगा नहीं, अपना इलाज करवाइएगा। 2 साल अगर आप अपने ज़ाय कर रहे हैं ज़िंदगी के, तो बहुत कुछ गंवा रहे हैं, अगर उसमें आपने कर लिया ऑपरेशन तो बहुत कुछ आगे कमा सकते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी भी बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब अभी यहाँ वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे गुफ्तगू करें, लेकिन वाकई बहुत ज़्यादा मालूमात खैज रही है आपकी इंटरव्यू, तो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, कीमती वक्त आपने दिया हमारे नाज़रीन को। डॉक्टर साहब से हमने विदा ले ली है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप से अभी विदा लेने का वक्त आ गया है। खुदा हाफिज़।